हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5C एक्सरसाइज के हमारे 10 तक क्वेश्चंस हो गए थे बेटा, जिसमें हमने बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा था। और उसमें हमने 2 मेथड सीखे थे, एक था हॉरिजॉन्टल मेथड और एक था कोला मेथड, जिसमें आपकी चॉइस थी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। तो आज हम 5C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे बेटा। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 5C। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 करा रही मैं अब आपको एक्सरसाइज 5C का। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है 2/7, फर्स्ट ब्रैकेट में 14x² माइनस में 21y² और सेकंड टर्म है, सेकंड जो है ब्रैकेट है -5x² माइनस में 3y². अब यहां देखिए बेटा, 2 ब्रैकेट्स दी हुई है, इसमें भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, वही मेथड से जो भी आएगा उसको 2/7 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 2/7 को यहां पर एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए 14x² जो है इस सेकंड वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, उसके बाद -21y² सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 2/7 एज इट इज। अब देखिए 14x² ब्रैकेट के बाहर है ये, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/1। ठीक है, तो हम 14 को 5 से करेंगे, -5 से, तो आ जाएगा -70। x² को x² से करेंगे, x^4। अब 14 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 42, और माइनस का साइन लग जाएगा, -42। x² को y² से करेंगे, x^2 y² हो गया ये। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर -21y² है, ये भी इससे और इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा 1/1। सबसे पहले -21 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस। अब देखिए 21 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 105। y² को x² से करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं y² x² या फिर x² y² भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख रही हूं x² y², उसके बाद -21 को -3 से करेंगे, माइनस को माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस। अब 21 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 63। 22 को 22 से करेंगे आ जाएगा y^4। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए 2/7 एज इट इज। अब x^4 वाली और कोई टर्म नहीं है, ये सिंगल ही टर्म है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी। उसके बाद देखिए ये भी x^2 y^2 वाली टर्म है और ये भी x^2 y^2 वाली टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए -42 प्लस में 105, प्लस माइनस माइनस। अब 105 में से हम 42 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 63 x^2 y^2। ठीक है बेटा, उसके बाद ये y^4 वाली भी और कोई टर्म नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे y^4। ठीक है बेटा, अब देखिए x^4 ये x^2 y^2 और ये y^4 वाली टर्म है, इसके बाहर है 2/7, तो 2/7 इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2/7 को सबसे पहले -70 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब 2/7 को रफ में करके देखिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 70 कट कर ये 10 आ जाएगा, और 2 को 10 से करेंगे आ जाएगा 20, तो -20x^4। उसके बाद 2/7 को रफ में मल्टीप्लाई करिए 63 से, तो ये 63 और 7 कट जाएंगे, तो 2 9 का क्या आ जाएगा 18 x^2 y^2। उसके बाद 2/7 को अगेन 63 से करेंगे, फिर भी 18 ही आएगा। ठीक है, और y^4। अब इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं,
नहीं है, ना तो हम इसको प्लस कर सकते हैं ना ही हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया बेटा, आप इसका सेकेंड पार्ट खुद करेंगे, ठीक है बेटा। सेम मेथड यूज करना है आपने, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले दो बाइनोमियल्स दिए हुए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस का साइन है, उस प्लस के साइन के बाद फिर दो बाइनोमियल है, तो आपने दो बार मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले दो बाइनोमियल्स को करना है, फिर पीछे वाले दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको करा रही हूं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 2x+3 एक बाइनोमियल है, ये मल्टीप्लाई होगा 3x² माइनस में x माइनस में 2। देखिए बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में दो टर्म्स है तो ये एक बाइनोमियल है, और सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल है। अब हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, मेथड आपने वही यूज करना है, चाहो तो आप कॉलम मेथड कर सकते हो या फिर आप हॉरिजॉन्टल मेथड कर सकते हो, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करके बता रही हूँ। देखो बेटा सबसे पहले ये जो 2x है इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, 2x की टर्न है सबसे पहले, तो 2x इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस 3 की टर्न आएगी, तो +3 इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। तो हमने लिख दिया, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर 2x है तो 2x इससे भी मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म से भी और थर्ड टर्म से भी 1/1 मल्टीप्लाई होगा। 2x को 3x² से करेंगे, 2 3 6, x को x² से करेंगे x की पावर 3, उसके बाद 2 को -1 से करेंगे आ जाएगा -2, x को x से करेंगे x² 2x को -2 से करेंगे आ जाएगा -4x। हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट ब्रैकेट में, उसके बाद देखिए सेकंड ब्रैकेट के बाद +3 है तो +3 भी इन तीनों टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई होगा, अंदर की तीनों टर्म से। तो +3 को सबसे पहले 3x² से करेंगे, 3 3 9 और x² एज इट इज, +3 को -1 से करेंगे आ जाएगा -3 और x एज इट इज, +3 को -2 से करेंगे -3 2 6। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसमें से लाइक टर्म्स के पेयर चूज करते हैं हम, x की पावर 3 वाली और कोई टर्म नहीं है, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐसी ही रहेगी, सिंगल ही टर्म है। उसके बाद x² वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम एक साथ लिख देते हैं बेटा इनका पेयर बना के। उसके बाद एक्स वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी एक साथ लिख देते हैं पेयर करके, ठीक है। और कॉन्स्टेंट टर्म, जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी वो सिर्फ एक ही है, सिंगल ही है, ठीक है, तो उसको अलग से रखते हैं। अब देखिए 6x3 तो एज इट इज, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, -2 + 9 कितना आ जाएगा +7 x² एज इट इज, -4 और -3 -7x और -6 एज इट इज, लास्ट में ये 4 टर्म्स आ गई। अब इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करा, किसी भी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करा है हॉरिजॉन्टल मेथड से। और देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 14 15 इन सभी क्वेश्चंस में भी आपने यही मेथड यूज करना है। 13 क्वेश्चन में भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 क्वेश्चन में भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बेटा, 15 में देखिए पहले तो है 2 टर्म्स और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में है 4 टर्म्स है, 3 से ज्यादा टर्म्स है हमारी, तो हम मेथड वही यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अब आपको करा रही हूं क्वेश्चन नंबर 15, बोर्ड में देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है x-3 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में है x³ + 3x² - 7x + 1। अब देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है x, ये इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, इस पीछे वाली ब्रैकेट से पूरी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वही मेथड यूज कर रही हूं मैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रही हूं इसको। उसके बाद -3 की टर्म है, -3 इस पूरी 4 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा पूरे, ठीक है बेटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर है x, x इन चारों टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई होगा, x
क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा x की पावर 4, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब x को हम प्लस 3x स्क्वायर से करेंगे, प्लस 3 तो एज इट इज क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 ही है, 1 को प्लस 3 से करेंगे प्लस 3 आ जाएगा। x को x स्क्वायर से करेंगे आ जाएगा x की पावर 3। उसके बाद प्लस 1 है यहाँ पर, यहाँ माइनस 7 है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 7 ही रहेगा। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा। हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस 3 भी इन चारों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस 3 को x क्यूब से करेंगे आ जाएगा माइनस 3 एक्स क्यूब, माइनस 3 को प्लस 3 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस 3 को माइनस 7 से करेंगे आ जाएगा 3 7 जा 21 और x एज इट इज, माइनस 3 को प्लस 1 से करेंगे आ जाएगा माइनस 3। तो हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दी। अब इसमें से लाइक टर्म्स के पेयर चूज करते हैं, x की पावर 4 वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगी, x की पावर 3 की एक ये टर्म है और एक ये टर्म्स है तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद x की पावर 2 वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, माइनस 7x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद प्लस एक्स और प्लस 21x ये भी लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को भी हमने साथ लिख दिया। और कॉन्स्टेंट टर्म जो है हमारी सिर्फ एक ही है, सिंगल है, उसको अलग से लिख देंगे। अब x की पावर 4 को एज इट इज रखेंगे, इन जो लाइक टर्म्स के पेयर है इनको हम सोल्व कर लेते हैं, प्लस 3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए 0 तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 7 और माइनस 9 कितना होता है, माइनस 16 एक्स स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 21 प्लस 22 आ जाएगा x और माइनस 3। लास्ट में ये 4 टर्म्स आ गई, ये चारों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ना हम इसको प्लस कर सकते हैं ना इसको माइनस कर सकते हैं, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको बोर्ड पे करा दिया है, आज हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है अपने एग्जाम्पल को देख लीजिए या फिर इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।